टेनिस के मैदान में उभरते पाकिस्तानी स्टार हुज़ैफ़ा अब्दुल रहमान की बात करेंगे, जिन्होंने अमेरिका में मेन सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। हुज़ैफ़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफ़ा, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? जी मेरा फेवरेट प्लेयर रॉजर फेडरर है। ओहो, जबरदस्त। तो हुज़ैफ़ा कितनी मेहनत की है, जरा बताएंगे, ट्रेनिंग कितना टाइम करते रहे आप? जी मैं 4 साल की उम्र से मैंने टेनिस खेलना शुरू की थी और इसी तरह आजकल मेरी ट्रेनिंग 1 दिन में 6 घंटे होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा हुज़ैफ़ा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया फेडरर आपके जो हैं वो फेवरेट हैं, तो उनके स्टाइल को भी आपने कॉपी किया है या सिर्फ उनसे इंस्पायर होकर आपने टेनिस खेलना शुरू किया है, क्योंकि वो जिस किस्म की गेम खेलते हैं वो बड़ी एग्रेसिव है। जी बिल्कुल, उनका स्टाइल कॉपी करना तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कॉपी करूँ, लेकिन मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ। फिर अपना खुद भी आपका खेलते रहते हैं तो स्टाइल आपका अपना भी बन जाता है। तो अमेरिका में तो आपने सबसे हिलाली परचम हिला दिया है, नाम रोशन किया है, तो क्या आगे प्लान्स क्या हैं? पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पर आके खेलेंगे या फिर अपनी खिदमात यहाँ के नौजवानों को देंगे, कुछ प्लान्स तो बताएं अपने। जी इंशाल्लाह, मेरा ये प्लान है कि मैं पाकिस्तान का परचम रोशन करूं दुनिया में ATP सर्किट में, और यही मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह अच्छा मैं खेलता रहूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। जबरदस्त। और मुस्तकबिल के गेम के हवाले से मैं चाहूंगा कि आपका क्या एम क्या है, गोल क्या है, किसे हराने का टारगेट रखा हुआ है, जोकोविक है माइंड में, कौन है, कौन आपके मद्द मुकाबल होगा जिसे आपने सोचा है कि बस ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट मोमेंट है? जी इस प्लेयर का तो पता नहीं, लेकिन मेरा इंशाल्लाह एम है कि इंशाल्लाह टॉप 10 ATP रैंकिंग में टॉप 10 आऊं मैं सिंगल्स में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ग्रैंड स्लैम में रिप्रेजेंट करूं इंशाल्लाह। अच्छा हुज़ैफ़ा, अभी आपने बताया कि आप 4 साल से टेनिस खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स में से यकीनी तौर पर किसी न किसी का इंटरेस्ट इस गेम में है, मदर का या फादर का, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मेरे फादर टेनिस खेलते थे सियालकोट में, मैंने शुरू की थी तो वो उधर खेलते थे क्लब में, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था, और इसी तरह ही मेरा भी टेनिस खेलना मैंने शुरू की। और जबरदस्त। पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? क्या चीज? पढ़ाई मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, FA मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी मेरा यही प्लान है कि पढ़ाई को मैं थोड़ा पॉज करूं और फुल अपना जो 100% अपना एफर्ट है वो टेनिस को दूं इंशाल्लाह। जरूर जी, पॉज करें लेकिन स्टॉप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो अवलीन तरजीह रखती है, और उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें पाकिस्तान में टेनिस को लेकर के, फैसिलिटीज़ इस लेवल तक कम है कि मैं 12 साल की उम्र तक जो है वो टेनिस बॉल को क्रिकेट की बॉल समझता था, जिससे हम क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि टेनिस बॉल की क्रिकेट होती है हमारे यहाँ, टेप बॉल जिसको कहते हैं। तो इतना फुगदान है हमारे पास इन फैसिलिटीज का, और अगर टेनिस कोर्ट की बात की जाए तो या तो वो प्राइवेट क्लब्स के अंदर मौजूद है, और अगर हुकूमती सतह पे आप देखें आम लोगों के लिए तो गिनती के कोई 2-4 कोर्ट्स रह जाते हैं जहां पर खेल होता है। तो आपने बताया कि आप सियालकोट में खेलते थे अपने फादर के साथ, तो ये कोई प्राइवेट फैसिलिटी थी, प्राइवेट क्लब था, या फिर ये किसी ऐसी जगह पर आप जाके खेलते थे जहाँ पर कोई भी आम शख्स जाके खेल सकता है? नहीं, ये सियालकोट क्लब था, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप वगैरह चाहिए होती है, तो कुछ आम पब्लिक के लिए तो नहीं था। हाँ, ये फिर हुकूमत की तरफ से आप भी अपील करेंगे कि भाई आम लोगों तक भी जो है रसाई पहुंचाई जाए टेनिस की, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त खेल है और दुनिया भर में माना जाता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसे उस लेवल तक नहीं लेके गए। हुज़ैफ़ा, अपने सिबलिंग्स के बारे में भी बताइएगा, बहन भाइयों में और कोई खेलता है टेनिस? जी मेरा एक छोटा भाई है, वो भी टेनिस खेलता है, अभी 18 साल उम्र है उसकी। जबरदस्त जी, बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके हुज़ैफ़ा, क्योंकि आपने सब जलाली परचम जो है वो अमेरिका में सरबुलंद किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईना दार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।